इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रातः काल हुआ, कई घाट की नामें मंगाई है निषाद जी ने, एक ही खेवा में सब लोग पार हो गए। गुरुदेव भगवान माताएं आगे आगे सब लोग चल रहे हैं। भरत जी अब यहाँ से पैदल पैदल, सेवक कहते हैं प्रभु अश्वारूढ़ होइए। भरत जी के अश्व का नाम है कोतल, भगवान के अश्व का नाम है बलाहक, जिस पर दूल्हा बन करके गए थे राम जी। बलाहक कोतल संग जाहि डोरियाए, भरत जी पैदल पैदल, सेवक कहते हैं प्रभु रथा, रथ नहीं अश्वारूढ़ होइए। भरत जी कहते हैं नहीं, यहाँ सिंहवेरपुर तक तो परमात्मा रथ से आए थे, सो हम भी आ गए। परमात्मा वन में जो सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं, सेवक को लेने का अधिकार नहीं। मैं तो सिर भर जाऊं उचित समो, सब ते सेवक धरा। भरत जी की बात सुनकर सब सेवकों को ग्लानि होती है। मैंने पूर्व में आपसे निवेदन किया, अनुपस्थिति में उपस्थिति का जो एहसास है उसका नाम है आदर, प्रेम, सम्मान। स्वामी नहीं है, पिताजी नहीं है, तब भी अनुपस्थिति में उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का स्वभाव है, ये चरित्र है, ये हमारा सनातन जीवन है। पिताजी नहीं हैं, गुरुजी नहीं हैं, ज्येष्ठ भाई नहीं हैं, भरत जी कह देना राम पया देहि पाय सिधाय, मौ कहूं गजरथ बाजी बना। प्रभु पैदल पैदल गए और मैं हाथी घोड़ा सजूंगा? ना 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 ना, सिर भल जाऊंगा। भरत जी पैदल पैदल, भरत ते सरे पहर का केन प्रवेश गया, अकुलात। आप बहुत मन से थके हों, व्याकुल हों, तो गति रुक जाती है। गए तीसरे पहर प्रवेश किए, दूरी निकट है तीसरे पहर, पांव में छाले आगे झलका झलकत, पायन कैसे पंकज कोष कोष कर्ण जैसे, झलका झलक पायन कैसे पंकज कोष कोष कर्ण जैसे, भरत पया प्रणाम।
भरत जी के पांव में छाले पड़ गए, सबने सुना, पता चला, सब लोग खबर ले रहे हैं, भरत जी सबकी खबर ले रहे हैं, सबको सुभाष व्यवस्था प्राप्त हुई स्नान आदि की। त्रिवेणी मैया में विधि पूर्वक स्नान संपन्न हुआ, सविधि सितासित निर्णान श्वेत श्याम जल से स्नान। भरत जी ने देखा श्वेत श्याम लहरों को, मानो श्री सीताराम जी का भाव दर्शन हो गया। भरत जी प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़ लिए। स्नानोपरांत हे तीर्थराज, हे प्रयागराज, हे तीर्थों के राजा, आपके पास जो आया, जिसने जो मांगा आपने सब उसको प्रदान किया। आप जाचकों को अयाचक करके विदा कर देते हैं। मैं क्षत्रिय बालक हूँ, हमारे कुल में देने की विधि है, मांगने की नहीं। आज अपने धर्म का त्याग करके आपसे मैं भीख मांगता हूँ। मांगम भीख त्याग निज धर्म आरत काहन कर। लेकिन जगत की सामग्री नहीं, अर्थन धर्म न काम रुचि गति न जन्म जन्म रति राम पद वरदा। धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना नहीं है। जन्म जन्मांतर श्री सीताराम जी के चरणों में हमारी प्रीत को दृढ़ता मिले, हे तीर्थराज इतनी ही मांग। क्या सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुज न पढ़ो अनुग्रह तोरे। जाता की रटन घट जाए, लेकिन वेदों का प्रेम निर्वाह करने से तपता है, तपने से उज्जवल होता है। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। त्रिवेणी मैया बोल पड़ी, बात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग बाजी गलानी करहूँ मनमाही, बाजी गलानी करहूँ मनमाही, तुम सब रामहि को प्रिय नाहि, तुम सब रामहि को प्रिय नाहि, तुम सम रामहि को प्रिय नाहि, तुम सम रामहि को प्रिय नाहि। हे वृद्धा मर्दा वाचा कर्मणा साधु है आप, अन्यथा चिंता सोच न करिए। राम जी को आप जैसा कोई प्रिय नहीं है। त्रिवेणी मैया की इस प्रकार की वाणी सुनकर देवता लोग आकाश से पुष्प की वृष्टि करते हैं। बोलिए भरत भैया की। अनुकूल भाव में देवताओं ने भरत जी की प्रशंसा की। तीर्थराज के लोग सब गदगद हो गए, भरत जी के समाज के लोग आनंदित हो गए। भरत जी भरद्वाज जी से मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं। भरत जी भरद्वाज जी का संदेश प्राप्त करके समाज के साथ गुरुदेव माताएं सब को लेकर रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातःकाल भरत जी तीर्थराज प्रयाग से आगे विदा लेंगे, भगवान के श्री चरण में पधारेंगे, भगवान की जो आज्ञा होंगे उसका यथा योग्य पालन करेंगे। फिर आगे की कथा क्या कहती हम लोग कल स्मरण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम राम I'm not afraid.
जगमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनातं महिमानः सचन्त्रयत पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीरसालपुष्प विल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालौ भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।